Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to give a reaction on the official trailer of Baaghi 3. So we have Tiger Shroff in it, Shraddha, Riteish, Sajid, Nadiadwala, Ahmed Khan, and the movie is going to released on 6th of March. Yes. So we already saw Baaghi 1 and Baaghi 2. Yes. And so a lot of action was there. And yeah. Those movie was superb movie. Superb movie, superb heat also. Yes. So we liked it a lot, that two movies. So I have a lot of expectation also for this Baaghi 3 as well. So let's get started. Yes. लोग रिश्तों में हदें पार करते हैं मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सर हदें पार कर दी लुक इज गुड ओह माय गॉड ओके सम टेररिस्ट मुझे खिला दे देना ओके रितेश द स्मोक Maybe What a magic! Wow! Ooh! Relax. Up. Wow! Oof! Superb! This movie is Syria. They went for vacation in Syria. Seriously? Not vacation, I think. Vikram? Yes. Oh God. Oh God. If anything happens to my brother, I'll kill both of you. We are not two. We're not a hundred. We are a whole country. Okay. That one. We don't want to say on camera that. Sorry. Mara bhai Vikram kal se gaya hai. Tum ye sab kaise jante ho? So who do you think can do this to your brother? Abu Jalal kaza. Abu Jalal insaan nahi hai, parchhai hai. Agar Abu Jalal mile. This is Abu Jalal. Oof. Iski maa chho beat dena. Wow. No one can stop me. Helicopter. अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना. Slow motion. Amazing. Physics. Wow. तुम्हारे देश को उस दुनिया के नक्शे से मिटा दूँगा. Nice. Wow. Great. Wow. Smack. Attack. Superb. Bus. Khatam. Come on. 6th March. Aise maarna chahiye. Okay, so जो 1 and 2 था उससे काफी ज्यादा अपग्रेड हो गया है बहुत ज्यादा अपग्रेड करके ये मूवी को लेके आए हैं और ये मतलब जो टाइगर श्रॉफ है इनका जो वे ऑफ पंच या फिर जो एक्शन सीन्स ये करते हैं काफ़ी यूनिक है मैं और किसी को नहीं देखी हूँ ऐसा टाइप का जो मार्शल आर्ट्स एंड बहुत अपग्रेडेड वाला जो डिशुम डिशुम होता है ना वो चीज़ शायद ये बाहर से ट्रेंड होते हैं और फिर जाके एग्जीक्यूट होता है राइट ट्रेंड है और
क्या एक्शन दिया, बहुत एक्शन, बहुत मतलब जबरदस्त, इतना फ्लेक्सिबल है ना हर एक्शन, हाँ। कितना स्मूथली किया है, बहुत स्मूथली किया है, ये बहुत खटते हैं। और वो मूवी जो है ना वॉर मूवी, वॉर मूवी के लिए भी मैं कहीं पे देख रही थी कि ऋतिक रोशन सर बोले थे कि वो रहेंगे तभी मैं करूँगा, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है टाइगर श्रॉफ जी, मतलब आप बहुत अच्छे एक्टर हो और आप फाड़ डाले हो ये मूवी में, आप फाड़ने वाले हो मार्च को थिएटर तो, में आई थिंक ब्लॉकबस्टर ट्रेलर वाज अ लाइक बॉम्ब ट्रेलर है, एकदम बैंग ऑन ट्रेलर है, 10/10 है। जो भी एक्शन पसंद करता है, एक्शन मूवी जो भी पसंद करते हैं ना, श्योर शॉट उसे वो लाइक करेंगे। मैं पर्सनली, आप लोग को पता है कि मैं एक्शन उतना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ना ये वाला टाइप का जो एक्शन होता है ना जहाँ पे मार्शल आर्ट्स वगैरह रहता है, उतना खून खड़ा भी नहीं लेकिन जो टेक्निक्स ये लोग यूज करते हैं काइंड ऑफ लाइक कराटे एंड ऑल, वो मुझे देखने में काफी मजा आता है। तो ये मूवी में बागी 1 में भी हम देखे हैं, बागी 2 में भी हम देखे हैं, बागी 3 में और ज्यादा हमें देखने को शायद मिलेगा। और ये इसका जो टॉपिक है वो काफी यू नो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो हम उसमें उतना जाना नहीं चाहते, लेकिन बहुत अच्छा एक टॉपिक इन्होंने चूज किया, राइट? वही बात है, टेररिस्ट के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। हाँ, दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड। और टॉपिक वाइज भी बहुत यूनिक है, ऐसा टॉपिक ऐसा नहीं है कि हम देखे नहीं है, देखे हैं बॉलीवुड में बहुत सारे मूवीज में, इतना एक्शन नहीं देखे, लेकिन इतना एक्शन नहीं देखे हैं सीरियसली। और बहुत मजा आने वाला है ये मूवी को देख के, मुझे तो लग रहा है मार्च में मतलब थिएटर तोड़फोड़ थिएटर में होगा, मतलब सीट्स बुक करना पड़ेगा शायद एक महीना पहले। और फिजिक्स वगैरह क्या बना है ये, हाँ जबरदस्त है। श्रद्धा कपूर का भी जो लुक है वो मतलब ठीक ठाक है, शायद इतना उनका एक्टिंग नहीं है श्रद्धा कपूर है, मोस्टली फोकस किया गया है टाइगर श्रॉफ के ऊपर, हर सीरीज में यही रहता है, मतलब बागी 1-2 में भी हम देखे थे कि मोस्टली टाइगर श्रॉफ के ऊपर ही रहता है, क्योंकि एक्शन है इसलिए, एक्शन है। और मतलब ये जो सीरीज है ये शायद वो जो एक्टर है उनके एक्शन के ऊपर ही ज्यादातर ध्यान देते हैं। तो इट इज अ लाइक बैंग ऑन ट्रेलर, सीरियसली आई एम टेलिंग यू आई रियली एंजॉयड इट एंड आई थिंक यू ऑल्सो एंजॉयड इट, राइट? It is a 10/10 from my side, by the from way. From my side as well. He likes action scenes, action movies and everything. So, he will give 10/10, I know that. Yeah. Or Riteish Deshmukh ka bhi jo get-up hai. Wo ekdam decent kind of. Decent kind of. Matlab, bade bhaiya hai. Wo doesn't like that much of fight. Thoda sa weak hai. Matlab, ye sab cheezon mein utna ghusna pasand nahi karte. Kind of like personality. Yes. Waisa dikhaya hai. Aur unke upar bhi bahut suit kar raha hai, right? Jaise wo decent type ka look diye hai. Achha hai. तो काफी जो भी एकदम कंटेंट वाइज है बहुत अच्छा है। ट्रेलर से एक चीज समझ में नहीं आया कि वो लोग वेकेशन मनाने सीरिया गए थे, सीरियस नहीं नहीं शायद वेकेशन मनाने नहीं, शायद कोई काम में गए होंगे, मैं उतना ध्यान नहीं दी वो पार्ट पोर्शन में, वो मूवी देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन सीरिया में लोग क्यों गए वही बात है। खैर डेंजरस प्लेस, दैट्स व्हाट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एंड यू गाइस ऑलरेडी नो दैट। सो जो मूवी कंटेंट है मुझे बहुत अच्छा लगा, कंटेंट वाइज मैं तो देखने जाऊंगी, मार्च में रिलीज होने वाला है 6 तारीख को, तो मेक श्योर कि आप लोग भी देखने जाओ क्योंकि मूवी वाइज बहुत अच्छा होने वाला है, धमाका टाइप का, नहीं पड़ेगा, हाँ नहीं तो मिलेगा नहीं। और अगर मूवी देखने के बाद आपको चाहिए तो हम जरूर इसका आफ्टर मूवी रिएक्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोगों के साथ हाँ तो आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाएगा, अगर आप मतलब उस टाइम भी नहीं देखे हो तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मूवी देखने लायक है या नहीं, सब कुछ हम शेयर करेंगे। तो ये रहा हमारा रिएक्शन वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक करके एक लाइक पहुंचा दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं कोई नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।